देश को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखने वाली सेना के बच्चों के स्कूलों में अब आंतरिक दुश्मनों की सेंध लग चुकी है। दरअसल साइबर क्राइम की दुनिया में सक्रिय जालसाजों ने हिमाचल के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर में सेंध लगाई है। देश को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखने वाली सेना के बच्चों के स्कूलों में अब आंतरिक दुश्मनों की सेंध लग चुकी है। दरअसल साइबर क्राइम की दुनिया में सक्रिय जालसाजों ने हिमाचल के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर में सेंध लगाई है। साइबर क्राइम की दुनिया में सक्रिय इन जालसाजों ने सैनिक स्कूल सुजानपुर का आंतरिक डाटा हैक कर उन अभिभावकों से संपर्क साधा है जिन्होंने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा दी थी। जालसाजों ने उन अभिभावकों से 25 से 30 हजार रुपए की डिमांड करते हुए उन्हें सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने का झांसा दिया और उन्हें बकायदा एक अकाउंट नंबर भी प्रदान किया। जानकारी के मुताबिक ये जालसाज वेस्ट बंगाल में बैठकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। फिलहाल इस तरह के मामलों की शिकायतें अभी SP कांगड़ा के कार्यालय में भी पहुंच चुकी हैं और पुलिस भी इस मामले को लेकर संजीदा हो चुकी है। SP कांगड़ा विमुक्त रंजन की माने तो सैनिक स्कूल के साथ उनका संपर्क हुआ है, जहां उन्होंने इस तरह से किसी भी अभिभावक से पैसे न मांगने की बात कही है और अपना आंतरिक डाटा हैक होने की आशंका जाहिर करते हुए उन तमाम अभिभावकों को आगाह किया है जिन्होंने सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा दी थी। कांगड़ा में ऐसे दो मामले सामने आए हैं, पहला बैजनाथ और दूसरा धर्मशाला में और तीसरा रोहड़ू में दर्ज किया गया है। पुलिस भी इन शिकायतों पर संजीदगी के साथ तफ्तीश कर रही है तो वहीं आम लोगों को भी ऐसे जालसाजों से आगाह रहने की अपील कर रही है। जी, कुछ दो तीन लोगों की वर्बल हमें शिकायत आई है तो उनसे हमने टेलीफोन नंबर और एक बैंक अकाउंट वो लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स हमें दे रहे हैं उससे लगता है कि इनका कोई डेटा जो है कहीं ना कहीं से कोई लीकेज हुआ है, क्योंकि बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन शातिरों के पास है। सो उन नंबर्स को हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सभी उन पेरेंट्स से जिनके बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और आमजन से भी यही अनुरोध है कि इस तरह के नए नए तरीके ये शातिर लोग जो हैं आजकल ठगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृपया ऐसे किसी भी झांसे में ना आए और किसी तरह का पैसा भी ट्रांसफ़र ना करें और जो भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिले तो वो तुरंत पुलिस के साथ शेयर करें ताकि हम लोग उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो कर सकें। नहीं, दर्ज जब भी नहीं, तीन कंप्लेंट्स टेलीफोनिकली मेरे पास आई हैं एंड हम लोगों ने वो नंबर्स फिलहाल ट्रेस कर लिए हैं, उन पर कार्रवाई जारी है। हम कंसर्न्ड स्टेट के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को हम अप्रिहेंड करने की कोशिश करें।